हमें लगता है कि पूरे देश को इससे रूबरू होना चाहिए। कोई योजना बनाइए, कोई भविष्य योजना, जिससे अनेक अनेक लोगों को आपके इस विचारों से लाभ मिल सके। इसके लिए सिर्फ प्राकृतिक नियम को अपनाना है, जो मैं अपना चुका हूँ आज से 10 साल पहले। प्राकृतिक का नियम है कि जिस बीज को आपने धरती के अंदर बो दिया और बीज ने अपना त्याग कर लिया, वो बीज अंकुरित हो गया और धरती उसे अंकुरित होने में सहायक होती है और वो वृक्ष बनकर अनेक बीज बना देती है। उसी प्रक्रिया के आधार पर आज भी अनेक बीज बने हैं जो अपने अपने जगह पर करेंगे। ये प्रकृति के नियम है, मेरा कोई नियम नहीं है। प्रकृति के नियम को जितना मैंने समझा है उसको अप्लाई कर रहा हूँ। यकीनन ये थ्योरी आज जितनी चल रही है अब कई गुना तेजी से चलेगी, ऐसा मुझे लगता है। सर, RJS का जो है थीम, ये शुरू हो रहा है आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पे, श्रृंखला हर बैठकों में इस चीज़ को सुनाया जाएगा, राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार। तो इन परिवारों को, RJS फैमिली को, पॉजिटिव मीडिया को क्या कहना चाहेंगे? RJS भारत एक परिवार सकारात्मक जो सोच है, हर व्यक्ति के अंदर सकारात्मक सोच है, वो चाहता है मैं लूँ, पर कहीं ना कहीं उसके अंदर कमजोरी है अपने आप को आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि हमारे भारतीयों में कमजोरी है कि हम प्रथम श्रेणी में नहीं आना चाहते, उसके पीछे लगेंगे। और मैं RJS को बधाई का पात्र है जो प्रथम श्रेणी में आए हैं। अब पीछे तो लगना ही है लोगों ने, हमारे स्वाभाविक है, चाहे मैं हूँ या कोई और हो, जनता जो है राष्ट्र को एक परिवार मानेगी और परिवार की तरह एक दूसरे का सहयोग देगी। इसके अंदर RJS सकारात्मक जो है बधाई की पात्र है और दीदेवार का सहयोग RJS को, RJS को दीदेवार का सहयोग मिलता है और दिन दुगनी चार चौगनी मिलता ही रहेगा। और सबको आज के दिन के ऊपर एक नई दिशा जो दी जा रही थी यहाँ पर, अगर वो दिशा जो है, जो भी माध्यम जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सुनेगा और वो अगर सुचारू रूप से जागृत हुआ तो संपर्क करें RJS से या दीदेवार से, दोनों एक ही हैं, ये एक परिवार है। और आप इस परिवार से जुड़कर अपना परिवार बनाइए, जिस प्रकार RJS दीदेवार एक परिवार बन गया, आप भी अपने आप को इस परिवार के जोड़ के इसी को अपना परिवार माने। शहीद दिवस पर सर, सर न्यूज 19 का एक सवाल है, प्रेरणा दिवस भी कहा जाता है, यही क्यों चुना? नहीं, ऐसा नहीं है, ये आज का एक विशेष सत्र था शहीद दिवस। ये आज के समय इतना आवश्यक था क्योंकि कोरोना काल के अंदर उस नेगेटिविटी भड़क रहे थे लोग, इधर उधर जा रहे थे, चाहे वो किसी विचारों के धारा था। तो ये बताना कि राष्ट्र प्रेमी कौन है, राष्ट्रभक्त कौन है, देशद्रोही कौन है, इसका कारबंध जो के लिए आज का दिवस बनाने आज की वक्त के हिसाब से अति आवश्यक हो गया था, इसलिए RJS और दीदेवार ने मिलकर मनाया है। इससे दीदेवार की थ्योरी और RJS का नहीं है, ये वक्त की डिमांड थी और ये भारत की डिमांड थी। भारत एक परिवार है और यही परिवार बड़ा होकर विश्व परिवार बनेगा, आज की इस वजह से आज का सत्र रखा गया है। जी, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इधर आ जाओ तुम, ये तुम पकड़ लो, दो मिनट।